दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भी लॉस रिकवरी के लिए देखिएगा, ऐसे ही आप देखिएगा पैसा बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके लॉस हुए हैं तो उसे रिकवर करिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम देखिएगा बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और दो पर्टिकुलर देखिएगा बैंकों के लिए बड़ी अपडेट है जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी बैंक पे। फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट केवल देखिएगा मार्केट क्लोज होने के बाद आई है। आप देख सकते हैं 59 मिनट्स पहले ही अपडेट आई है, मार्केट क्लोज हो चुका था तभी अपडेट आई है, और ये ऐसे मेजर बैंक हैं जो टोटल देखिएगा निफ्टी बैंक को 40% चलाते हैं। यानी कि अगर इनको टोटल करा जाए, इनका सम करा जाए, तो 40% यही दोनों बैंक चलाते हैं, और बड़ी अपडेट है तो आप समझ सकते हैं कि ये कल इम्पैक्ट भी करेगी। तो बिजनेस टुडे में देखिएगा ये अपडेट देखने को मिल रहा है कि SBI ने देखिएगा एक पर्टिकुलर यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर डाला था, किसको, आरबीआई को एक रिक्वेस्ट लेटर ये डाला था कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन देखिएगा HDFC बैंक, क्योंकि आपको पता है कि HDFC बैंक में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होगा। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग देखिएगा लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, यानी कि सिनेरियो थोड़ा सा एक्सटेंशन में है, एक्सटेंड सिनेरियो है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनका एक क्लियर फैक्ट होता है कि वो HDFC बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर मर्जर अगर आप देखेंगे तो ये बैंक बहुत पैसा बना के देगा, और वैल्यूएशन भी कंपैरेटिवली काफ़ी हाई देखने को मिलेंगे। HDFC बैंक मर्ज होने जा रहा है किसमें, HDFC में, और आपको पता है कि यहाँ के जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको उसी रेशियो में HDFC के रिजल्ट मिल जाएंगे, मतलब वो मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे, और देन आफ्टर दैट देखिएगा जो एक पर्टिकुलर एंटिटी बनेगी, जॉइंट एंटिटी बनेगी, उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई होगी। तो उसी में देखिएगा SBI फंड करना चाहता था इन्वेस्टमेंट, और कितना स्टेक बाय करना चाहता था, 10% के आसपास, कितना, 10% के आसपास। अब आप समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आफ्टर मर्जर स्टॉक में बहुत तेजी से देखिएगा मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे RBI से इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, अब हुआ क्या है ये इंपॉर्टेंट है कि HDFC बैंक ने देखिएगा सेड द सेंट्रल बैंक हैज एडवाइज द SBIFM टू एक्वायर द स्टेक विद इन 6 मंथ, दैट इज बाई नवंबर 2023। यानी कि जो स्टेक लेना चाहते हैं वो 10% पहले तो देखिएगा RBI ने अलाउ कर दिया है, ये वेटिंग पे था, आज ही अलाउ करा है। इंपैक्ट कब पड़ेगा, कल पड़ेगा, किन स्टॉक्स पे पड़ेगा, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे RBI ने कहा है कि ये स्टेक उन्हें जल्द से जल्द लेना होगा, उसके लिए टाइम फ्रेम उन्होंने रखा है 6 महीने का, कि 6 महीने में आपको किसी भी हाल में स्टॉक को बाय कर लेना है या फिर स्टेक को बाय कर लेना है। और 10% स्टेक उसी तरीके से है जैसे कि रिलायंस में बड़े बड़े स्टेक देखेगा फेसबुक ने, या फिर देखेगा अमेजोन ने, या फिर गूगल ने, या फिर किसी ने भी देखेगा जो बाय करते हैं बड़े बड़े स्टेक ब्लू चिप स्टॉक्स में, उसी तरीके से होगा। ये बड़े देखेगा बहुत मेजर एक स्टेक होगा, 10% का स्टेक कोई छोटा स्टेक नहीं होता है, मेजर स्टेक होता है, और वो इम्पैक्ट करेगा देखिएगा जब यहाँ पे ये बाय कर लिया जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे जब बाइंग आएगी तो दोनों ही देखिएगा बैंकों को फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ पे SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड टू बाय अप 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन फॉर्म ऑन वेडनेसडे, आज के दिन। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है, ये जो अपडेट आई है ये एक तरीके का डिस्क्लोज़र है, और ये डिस्क्लोज़र मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो इसका भी इम्पैक्ट कल आपको देखने को मिलेगा। इट सेड दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ एडवाइज द देखिएगा SBIFM टू स्टेक इन देखिएगा 6 मंथ बाय द नवंबर 15। फर्दर देखिएगा मस्ट इंश्योर दैट द एग्रीगेट होल्डिंग इन द बैंक रिमेन्स बिलो द 10%। यानी कि अगर आपका पहले से कोई भी स्टेक है तो पहले आप उसको सेल कर लीजिए, या तो आप जो भी स्टेक बाय करने की सोच रहे हो 9.99% उसको देखिएगा कम कर दीजिए, क्योंकि पूरा स्टेक 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से अब SBIFM एक हिस्सा बन जाएगा
इस पर्टिकुलर मर्ज एंटिटी का आफ्टर दैट, यानी कि जब मर्जर हो जाएगा पूरी तरीके से, और आगे चल के ये बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं किसको, देखिएगा आपके बैंक को भी, HDFC बैंक को भी, और साथ ही साथ खुद के म्यूचुअल फंड होल्डर्स को भी। द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर सेड RBI इन अ लेटर May 16, 2023। यहाँ पे देखिएगा कल लेटर गया था, आज आपको देखिएगा दो दिन में यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया है किसकी तरफ से, RBI की तरफ से। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डील इज इफेक्टिव, HDFC बैंक विल बी 100% ओन बाय द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द HDFC विल बी ओन 41% ऑफ द बैंक। तो देखिएगा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जब यहाँ के शेयर होल्डर मर्ज होंगे HDFC में। और आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ लॉन्ग टर्म में होने वाला है। बट द थिंग इज किसको फ़ायदा, फ़ायदा 32% के HDFC बैंक को और 8% के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, दोनों को फ़ायदा है। लेकिन इस HDFC बैंक के लिए बहुत बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज़ बन रहा है HDFC बैंक के मर्ज होने के बाद स्टॉक को बाय करने का। तो ये बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट करेगा कल, फोकस करिएगा अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच।